पर मुसलसल शिकस्तों का दाग धुल गया। कैंगरूज के खिलाफ उनके मैदान में 12 साल बाद फतह का फूल खिल गया। मेलबर्न वनडे में पाकिस्तान की 6 विकेटों से कामयाबी। 221 के हदफ के ताकुब में हफीज का 72 रन बनाकर बड़ा हिस्सा। शुएब के नाकाबिले शिकस्त 42 रन। जुनेद की उमदा बॉलिंग। कप्तान बदला तो टीम की किस्मत भी बदल गई। प्रोफेसर का फार्मूला काम कर गया। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद हफीज कहते हैं खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया। बॉलर्स ने अहम मौकों पर विकेट हासिल की। शुएब मलिक का तजुर्बा बॉलिंग और बैटिंग दोनों में काम आए। ₹1.77 इसमें पेट्रोल में इजाफा होगा, डीजल में 2 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने आवाम को नए साल का तोहफा 15 दिन की ताखीर से दे दिया। पेट्रोलियम मसनुआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 1.77 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर महंगा। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गयी। इसहाक डार का कहना है कीमतों का दोबारा तायुन 31 जनवरी को होगा। मलेका के औसार में एक बार फिर बर्फबारी, सयाहों पर सहर तारी। मरी में वीकेंड के बाद सयाहों का खूब रश। मॉल रोड की रौनक उरूज पर, लोग बर्फ से खेलते और यखबस्ता हवाओं से लुत्फंदोज होते रहे। गर्म मशरूबात और खानों का मजा भी उड़ाया। घर में सर्द मौसम का राज। मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। पाक आर्मी और एफसी ने चित्रार और बलोचिस्तान में बर्फबारी के बायस बंद होने वाली सड़कें खोल दी। नवाज शरीफ पकड़ा गया, अल्लाह ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया नवाज शरीफ के ऊपर। इमरान खान ने पैनामा लीक्स को अल्लाह का सुओ मोटो एक्शन करार दे दिया। बोले पाकिस्तान को शरीफ माफिया से निजात मिल जाएगी। जनूबी पंजाब के साथ लाहौर वाले भी तख्ते लाहौर से तंग आ चुके, नया पाकिस्तान बनाएंगे। कप्तान की डेरा गाजी खान में धुआंधार इनिंग्स। जलसे में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगान सदर को टेलीफोन। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। नकलो हरकत रोकने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। अशरफ खनी बोले अमनो इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत की अहम इत्तेहादी JUIF की फौजी अदालतों की बाज़ाब्ता तौर पर मुखालफत। शूरा इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी मौकफ वाज़ेह कर दिया। कहते हैं फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करते। इनकी मुद्दत में तौसीर, सिविल कोर्ट्स पर अदम एतमाद होगा। सिंध रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। महकमा दाखला सिंध ने इख्तियारात में तौसी की समरी वजीर आला को अरसाल कर दी। मुराद अली शाह पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुशावरत से फैसला करेंगे। मंजूरी की सूरत में समरी विफाकी वजारत दाखला को भेजी जाएगी। कराची के सिविल अस्पताल में 3 माह का बच्चा वेंटिलेटर न मिलने पर चांभर। हसन के वालिद का कहना है कि कई घंटे तक वेंटिलेटर का इंतजार करते रहे। डॉक्टर्स ने गफलत का मुजाहरा किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोई वेंटिलेटर फारिग नहीं था, तहम बच्चे को तमाम तिबी सहूलियात फराहम की। महाजे जंग हो या नागहानी सूरत हाल, पाक बहरिया का किरदार रोशन मिसाल। पाकिस्तान नेवी के जांबाजों का उरमाड़ा के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन। कश्ती में सवार 18 माहीगिरों को डूबने से बचा लिया। ऑपरेशन में तेज रफ्तार बोट्स और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। कराची की पुलिस चौकियों में गधे तायुनात। शराफी गोट की पुलिस चौकी में गधे बांध दिए गए। शहर में कई पुलिस चौकियां खाली पड़ी हैं, तो कहीं नशेयों के डेरे।
रांची में छुट्टी का दिन और मौसम सुहाना, शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। दिन भर साहिल पर रौनक लगी रही, किसी ने घुड़सवारी तो किसी ने ऊंट पर सैर की। शाम में फूड स्ट्रीट्स में रश, मजे मजे के खाने। सराय आलमगीर में दरिया जहलम से 40 किलोग्राम वजनी मछली पकड़ी गई। रुखामत मछली ने पकड़ने की कोशिश करने वाले शिकारियों को कई बार जख्मी किया। मछली को देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरी उमड़ आए, सेल्फियां भी बनाई। और अमरीकी पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ले की याद में लॉस वेगास में रंगारंग कार्निवल। शिरका ने एल्विस प्रेस्ले के मुख्तलिफ गानों के मॉडल्स का रूप धारा। रंगारंग कार्निवल को देखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से आए सयाह भी मौजूद थे।